नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज हम बनाएंगे नवरात्र स्पेशल स्नैक्स जो बने हैं मखाने के साथ। तो आइए जानते हैं उसकी सामग्री। आइए फ्रेंड्स जानते हैं नमकीन मखाना के स्नैक्स बनाने का तरीका और उसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कटोरी मखाने, साथ ही साथ हमें चाहिए 3 से 4 लंबी कटी हुई आपके चाहिए बादाम। फिर हमें चाहिए 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा धनिया पत्ता, नमक सेंधा नमक 1 छोटी चम्मच, नहीं तो आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच आपका है ये काली मिर्च, और थोड़ा सा सौंठ पाउडर जिसे हम ड्राई अदरक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बनाते हैं नमकीन मखानों के स्नैक्स। पहले मैंने एक पैन में देसी घी 1 चम्मच जो हमने बोला है उसको ले लिया है। इसी के साथ हम अपने ड्राई फ्रूट सबसे पहले डालेंगे जो है हमारे बादाम। 4 बादाम मैंने काट के डाले हैं इसमें, और इसे एक क्विक स्टर कर देना है। बस 1 मिनट चलाना है ताकि ये थोड़े से रोस्ट हो जाए। बादाम से होगा कि ये हेल्दीनेस भी देते हैं, स्ट्रेंथ भी देते हैं, येट आपका कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं बढ़ाते हैं व्रत के टाइम। सो इट्स वेरी गुड एंड वेरी न्यूट्रिशियस। ये जैसे ही हल्का सा, जैसे आपको नजर आए कि हल्का सा ये रोस्ट हो गया है, कि जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा रोस्ट हो गया है, तो हम इसमें अपने मखाने डालेंगे और इसे देंगे क्विक स्टर। मखाने डालने के बाद साथ के साथ हमें अपने तीनों मसाले जो कि है नमक, काली मिर्च और सौंठ हमें डाल देना है इसमें, और इसे देना है एक क्विक स्टर। हमें इसे नीचे लगने नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ तेज सेक पे मैं कर रही हूँ, जस्ट ये 1 मिनट में क्विक स्नैक बनता है और बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनता है। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम कर देंगे अपना गैस बंद और इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे अपना धनिया। इसमें स्प्रिंकल करेंगे अपना धनिया और इसे ठंडा करके सर्व करेंगे। तो आइए इसे सर्व करते हैं। स्नैक्स हमारे तैयार हैं साबूदाने के। इंजॉय करें इस नवरात्रा, और वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं बना के अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त।